अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर एक और टॉपिक है जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, इसे भी डिस्कस करेंगे। सो दो टॉपिक्स को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं जीन क्या होता है। जीन की यूजली दो डेफिनेशन की जाती हैं। पहले हम सेकेंड डेफिनेशन को देखते हैं। जीन इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। यानी जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की जिससे कोई प्रोटीन बन सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ ये एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, ए टी सी जी सी सी टी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है और मैं कहता हूँ कि ये सीक्वेंस क्या है, जीन है। यानी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है कि इससे कोई प्रोटीन बन सके। सो ये वाली सीक्वेंस जीन कहलाएगी। यानी डीएनए पर ऐसी सीक्वेंस जिससे कोई प्रोटीन बन सके उसे जीन कहा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन बहुत कंप्लीट और परफेक्ट डेफिनेशन है, विच इज़ जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। डीएनए या क्रोमोसोम का जो फंक्शनल यूनिट है उसे जीन कहा जाता है। इसे भी डायग्रामेटिकली देखते हैं, मैं इसे रेज कर देता हूँ। सपोज ये डीएनए है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डीएनए की ये वाली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक सेगमेंट है और ये क्या है, ये फंक्शनल है। सो ये क्या होगा, ये जीन होगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यानी इस रीजन से या तो बनेगी प्रोटीन या इस रीजन से हो सकता है राइबोसोमल आरएनए बन जाए या इस रीजन से हो सकता है ट्रांसफर आरएनए बन जाए। अब प्रोटीन के अलावा राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये भी तो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना सेल के अंदर। सो ज़रूरी है कि हर फंक्शनल यूनिट जो जीन से कोड हो रहा है, डीएनए की सीक्वेंस से कोड हो रहा है, उसे जीन कहा जाए। सो ये इसकी बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है कि जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीन से प्रोटीन ही बने, समटाइम जीन से राइबोसोमल आरएनए भी बन सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है। सो ये आरएनएज भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जीन्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर जस्ट लाइक क्रोमोसोम। जिस तरीके से क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, इसी तरीके से जीन्स भी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में सिमिलर हैं इसीलिए इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है इसमें एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है और ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो जीन्स हैं वो भी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम के इस स्पेसिफिक रीजन पर एक जीन प्रेजेंट है जो किसी स्पेसिफिक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला जीन हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो ज़रूरी है कि इसका जो सेकेंड पेयर है, क्रोमोसोम का जो सेकेंड पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसकी भी सेम लोकेशन पर, सेम जगह के ऊपर, सेम करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट हो। क्योंकि जीन भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सो यहाँ पर भी उसी लोकेशन पर एक जीन प्रेजेंट होगा और ये दोनों जीन सेम करेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे। इस केस में हमने एग्जांपल ली है हेयर कलर को, यानी एक क्रोमोसोम का जो पेयर है उस पर भी स्पेसिफिक लोकेशन पर एक जीन प्रेजेंट है जो कि हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है और सेकंड क्रोमोसोम की भी उसी लोकेशन पर एक जीन प्रेजेंट है जो कि हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। बट ये दोनों पेयर हैं जो जीन के, इनको आपस में अलील कहा जाता है। अब अलील क्या चीज़ है, अलील एक्चुअली अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, या डिफरेंट फॉर्म होती है जीन की, वेरिएंट फॉर्म होती है जीन की। फॉर एग्जांपल ये जीन्स कोड कर रहे हैं हेयर कलर को, बट ये वाला जीन कोड कर रहा है ब्लैक हेयर को, ये वाला जीन कोड कर रहा है ब्राउन हेयर को। करेक्टर सेम है हेयर कलर, बट उस कलर के अंदर वेरिएशन है, सो उस वेरिएंट फॉर्म को अलील कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर्स हैं, इन दोनों मार्कर्स का काम क्या है, राइटिंग करना है ना।
ये दोनों हम कह सकते हैं आपस में क्या हैं, ये जीन्स हैं, ये राइटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये आपस में मैं कहता हूँ कि अलील हैं, ये आपस में डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? ये भी राइटिंग कर रहा है बट इसकी राइटिंग ग्रीन है, ये भी राइटिंग कर रहा है बट इसकी राइटिंग रेड है। ये आपस में अलील होंगे। होपफुली आपको अलील और जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जिस लोकेशन पर क्रोमोसोम की जिस लोकेशन पर जीन प्रेजेंट होता है उस लोकेशन को लोकस कहा जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया जीन का और थोड़ा बहुत फंक्शन की बात कर ली हमने। अब हम देखते हैं कि जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जीन की स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट होता है प्रोमोटर, फिर आ जाता है सेकंड रीजन जिसे स्ट्रक्चरल रीजन कहा जाता है, फिर लास्ट रीजन आ जाता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। नाउ डीएनए तो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जीन, कोई भी रीजन जो है उसे हम जीन कह सकें, यानी कोई भी रीजन की ट्रांसक्रिप्शन होती जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। जीन वाला जो रीजन होता है उससे पीछे कुछ ऐसी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो एंजाइम्स को सिग्नल देती हैं कि यहाँ से आगे जीन प्रेजेंट है और उसकी तुमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उससे मैसेंजर आरएनए को बनाना है। वो वाली सीक्वेंसेस जो होती हैं जो प्रोमोट कर रही होती हैं ट्रांसक्रिप्शन को, उन सीक्वेंसेस को प्रोमोटर सीक्वेंसेस कहा जाता है या उस रीजन को प्रोमोटर रीजन कहा जाता है। प्रोमोटर रीजन के अंदर कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा बॉक्स जिसे कहा जाता है, यानी टी ए इस तरीके से सीक्वेंसेस होती हैं। एंजाइम उन सीक्वेंसेस से जब चलता है तो एंजाइम को समझ आ जाती है कि यहाँ से आगे अब जीन शुरू होने वाला है, यानी उस जीन की हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। प्रोमोटर सीक्वेंसेस। जो सेकंड रीजन है जिसे स्ट्रक्चरल रीजन कहा जाता है उसके अंदर एक्चुअल कोड प्रेजेंट होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। स्ट्रक्चरल रीजन के अंदर वो सारी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं जिनसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर आगे ट्रांसलेशन होती है। फिर करते करते एक रीजन ऐसा आता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है, जहाँ पर स्टॉप कोडान प्रेजेंट होता है, यानी जहाँ पर जाकर जीन ख़त्म हो जाता है उस रीजन को टर्मिनेटर कहा जाता है। ये तीन पार्ट्स हैं जीन के। नंबर वन प्रोमोटर, जो प्रोमोट करता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन को। नंबर टू स्ट्रक्चरल रीजन, जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसक्राइब्ड हो सकती है। नंबर थ्री टर्मिनेटर रीजन आ जाता है, जहां पर जीन जाकर फिनिश हो जाता है या जहां पर स्टॉप कोडान प्रेजेंट होता है। अब हम प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक जीन का डिफरेंस देखेंगे। जो प्रोक्रियोटिक जीन्स हैं उनमें सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूक्रियोटिक जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं। नाउ एक्सॉन एंड इंट्रॉन क्या होता है? एक्सॉन ऐसा रीजन होता है, डीएनए का ऐसा रीजन होता है या जीन का ऐसा रीजन होता है जो कि कोड करता है फॉर प्रोटीन, जबकि इंट्रॉन जीन का ऐसा रीजन होता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, यानी कि एक्सॉन कोडिंग रीजन होता है जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होता है। और प्रोक्रियोटिक जो जीन्स हैं वो टोटली एक्सॉन से मिलकर बने होते हैं, उनका सारे का सारा जो रीजन है वो ट्रांसक्रिप्शन होती, उसकी मैसेंजर आरएनए बनता है और उस मैसेंजर आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जबकि जो यूक्रियोटिक जीन्स हैं उनके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, और इन नॉन कोडिंग रीजन को जीन से निकालना बहुत ज़रूरी है, मैसेंजर आरएनए से इनको कट करना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए में स्टडी करने वाले हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये एक यूक्रियोटिक जीन है। यूक्रियोटिक जीन के तीन पोर्शन होते हैं, हमने स्टडी किया, एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल रीजन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रोमोटर रीजन प्रोमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है यहाँ तक टर्मिनेटर रीजन आ जाते हैं और यहाँ पर जीन फिनिश हो जाता है। यूक्रियोटिक जीन के अंदर एक्सॉन्स इंट्रॉन, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, इस तरीके से यूक्रियोटिक जीन मिलकर बना होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुई है, प्री मैसेंजर आरएनए बना है, यानी अभी इस मैसेंजर आरएनए में मॉडिफिकेशन होगी, ये अभी प्री है, प्री मेच्योर है। ये मैसेंजर आरएनए बन चुका है और मैसेंजर आरएनए के दो एंड होते हैं, जिस तरीके से डीएनए के होते हैं, एक 5' एंड होते हैं और एक 3' एंड होता है। सबसे पहला काम क्या होता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है यूक्रियोटिक जीन में? 5' एंड पर एक कैप ऐड होती है। कैप ऐड का मतलब क्या है? 7-methylguanosine ऐड होता है, यानी जो ग्वानिन बेस है उसके 7 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है और उसकी
अटैचमेंट हो जाती है 5' एंड पर, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए स्टार्ट होता है वहाँ पर ये वाली बेस ऐड हो जाती है जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। सो 5' कैप इसे कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैप प्रोटेक्ट करती है इस मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम द एंजाइम्स टू डिग्रेड, क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं, जिन्हें एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियेज़ कहा जाता है। सो ये कैप प्रोटेक्ट करती है इस मैसेंजर आरएनए को उन एंजाइम से। इसके अलावा जो 3' एंड होता है वहाँ पर पोली ए टेल लग जाती है, यानी एडेनिन की बहुत सारी बेसेस लग जाती हैं। इट कैन बी फ्रॉम 50 to 500, इस तरीके से बहुत सारी एडेनिन की बेसेस लगती हैं जिन्हें पोली ए टेल कहा जाता है, यानी पोली मीन मैनी, ए मीन एडिनोसिन एंड टेल एक दुम सी लगी होती है। और इसका फंक्शन भी ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है इस मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये एक्सॉन इंट्रॉन इस तरीके से इनसे मिलकर बना हुआ है। अब ज़रूरी है कि ये जो नॉन कोडिंग रीजन है जिसे इंट्रॉन कहा जाता है, ये जहाँ से निकल जाए, कट आउट हो जाए, सो उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है, जो अभी अक्कर होगा। स्प्लाइसिंग यानी इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ये जो इंट्रॉनिक रीजन है ये जहाँ से कट आउट हो जाता है और ये एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं, सो एक पूरे का पूरा कोडिंग रीजन बन जाता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है, स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स जो हैं समटाइम 500, 1000 इतनी लंबी बेस पेयर्स के हो सकते हैं, यानी ये थोड़ी सी बेसेस नहीं होती, बहुत सारी बेसेस होती हैं जो कि कोड नहीं करती, उनको कट आउट करते हैं ताकि एक सेंस वाला जीन बने, मैसेंजर आरएनए बने और उससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग अक्कर होती है बिकॉज ऑफ स्प्लाइसोसोम, जो कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पर आकर रीडिंग करते हैं कि यहाँ से आगे इंट्रॉन रीजन है, सो उस इंट्रॉन रीजन को कट कर देते हैं। सपोज ये एक्सॉन रीजन है, ये एक्सॉन रीजन है, ये भी एक्सॉन रीजन है, ये दरमियान वाला इंट्रॉन रीजन है, तो ये प्रोटीन्स इस तरीके से उस इंट्रॉन रीजन को ऊपर को उठाती हैं, यहाँ से कट लगता है, ये रीजन बाहर निकल जाता है और ये जो दो रीजन हैं जिन्हें एक्सॉनिक रीजन कहा जाता है ये आपस में जुड़ जाते हैं एंजाइम्स के ज़रिए और एक सेंस वाला मैसेंजर आरएनए बन जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो रही है, इंट्रॉन्स कट आउट होकर बाहर निकल रहे हैं। सो पोस्ट मैसेंजर आरएनए बनेगा जिसमें 5' एंड पर एक कैप ऐड होगी, 3' एंड पर पोली ए टेल प्रेजेंट होगी और इसमें से जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे, एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे, सो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस बन चुकी है। अब ये जाएगी राइबोसोमल आर, और अब ये सीक्वेंस कहाँ पर जाएगी, राइबोसोम की तरफ जाएगी, वहाँ पर रीडिंग होगी ट्रांसफर आरएनए की मदद से और इससे डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। सो दिस इज़ प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस और इसकी ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगी। सो जीन एक्सप्रेशन को हम आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भी स्टडी करेंगे। सो इस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या स्टडी किया, जीन फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोसोम का और जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और उस पेयर ऑफ जीन्स को आपस में अलील कहा जाता है, क्योंकि अलील आपस में वेरिएट करते हैं, डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो जीन की 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन, टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर प्रोमोट करता है, स्ट्रक्चरल रीजन के अंदर वो मेन सीक्वेंस होती है जिससे ट्रांसक्रिप्शन होती है, टर्मिनेटर पर जाकर जीन एंड हो जाता है। और फिर हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए को देखा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है एक मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके 5' एंड पर कैप ऐड होती है और 3' एंड पर पोली ए टेल लगती है, ये दोनों चीज़ें इसको इंजाइम से प्रोटेक्ट करवाती हैं। इसके अलावा फिर स्प्लाइसिंग होती है इस मैसेंजर आरएनए में, यानी इस मैसेंजर आरएनए से इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, सो एक कोडिंग सीक्वेंस बन जाती है जिससे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।